નિરસન કરીને આવે શિક્ષણ પણ સદી છાપાય એવો છાપાય. જો ઓક્ટોબર મહાત્મા ગાંધી જન્મ જયંતિ 150મી જન્મ જયંતિ કે શો અવસર પર પૂરે દેશ મેં ઇસ કાર્યક્રમ મેં જુડી હુઈ જનતા બડે સે બડે નેતા સે લેકર આમ જનતા તક સાલા પાઠશાળાઓ મેં એકત્રિતકરણ કરને કે બાદ એની વિચારધારા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી ઉસકા નામ મોહનદાસ કેવલ ઉસકા વ્યક્તિત્વ કા નામ હૈ ગાંધી ઉસકી વિચારધારા હૈ એન વિચારધારા સારે દેશો મેં ફેલ ચુકી હૈ વિચારધારા કો વિમર્શ કરને કા જો સ્વપ્ન ગાંધીજીને બચપન સે લેકર કઈ પ્રકાર કે વિભિન્ન પ્રકાર કે આપને ઇતિહાસ મેં પઢે હી હોંગે કે વિભિન્ન પ્રકાર કે ઉસકી કાર્યપ્રણાલી કાર્ય પદ્ધતિ એને સારી પદ્ધતિઓ કો મેં જતાને નહીં જા રહા હું મેં મૂળ સ્થાન કુછ એસી ઉનકી ઘટનાએ હૈ ઇન ઘટનાઓ કો લેતા હું મહાત્મા ગાંધીજીને 21 સાલ તક દક્ષિણ આફ્રિકા इसके बाद सन 1913 में हिंदुस्तान आकर उनके जो गुरु हैं रविंद्रनाथ टैगोर और ये रविंद्रनाथ टैगोर शहर के अध्यक्ष के रहने के नाते शुरुआत की परतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाने का जो बीड़ा था वह बीड़ा उन्होंने उठाया. उसका पहला चरण था किसानों का और उन्होंने शुरुआत की चंपारण से. इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह नमक सत्याग्रह कई प्रकार के आंदोलन करते हुए वह आगे निकल पड़े. उनका मूल सत्य और अहिंसा का उद्देश्य था. इसके बारे में तो आप जानते ही हैं. कई प्रकार की जो स्थिति है इन स्थितियों बचपन में इनकी आने वाली उपलब्धियां इनको सार्थक करते हुए आगे निकल पड़े. इसके बाद इसकी जो स्थितियां देश में विचारधारा को फैलाने की जो स्थितियां जनमानस एक सैलाब ऐसा तैयार किया जो सारे विश्व सारे देश में फैल गया. अलग अलग प्रकार से 2-3 दल पड़े. एक नरम दल एक गरम दल. नरम दल जो था वो अहिंसक कहलाया. गरम दल था हिंसक कहलाया. इसकी जो घटना है इस घटना में इस नरम दल की जो स्थिति थी इस नरम दल की स्थिति की वजह से इन्होंने विश्लेषण किया. कई बार इसकी जो घटना थी संसार के हर कोई व्यक्ति को केवल 3 प्रश्न ही सताते हैं. संसार के हर कोई व्यक्ति को 3 प्रश्न ही सताते हैं. एक अपने आप का खुद का प्रश्न, एक अपने मनुष्य से दूसरे मनुष्य का प्रश्न, तीसरा अपने सृष्टि सा प्रश्न. ये सृष्टि सा का जो प्रश्न है यही प्रदूषण किसेरा स्वच्छता अभियान कई प्रकार की स्थितियों में उन्होंने देखा गया जो स्वप्न था. इन स्वप्न को कई सालों के बाद आने वाले दिनों में ये साकार होता रहा है. क्योंकि भारत की जो भूमि है वो विश्व संस्कृति के तौर पर मानी गई है कि ऋषि मुनियों की भूमि. एक के बाद एक ऐसे महान आत्माएं इस धरती पर जन्म लेते रहे हैं. समयांतर पर हाल हमारी जो स्थिति है वही स्थिति उसी के अनुपात में वह चलती जा रही है. देश पर कई प्रकार के शहीद वीरों थे, रवि वीरों के यही आह्वान थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के पास न तो कोई शस्त्र था न कोई अस्त्र था, केवल था अहिंसा का सूत्र, सत्य अहिंसा और राम का शब्द. यही राम का शब्द की एक छोटी सी कहानी है. महात्मा की उम्र 14 साल की थी. वह भूत से इतना डरता था, भूत प्रेत प्रपंच से इतना डरता था. एक दिन उसकी जो दासी थी उन्होंने बताया कि बेटा तू किससे डरता है. इन्होंने बताया कि मुझे भूत से डर लगता है. एक काम करिए, आप राम का नाम लीजिए, आपको भूत कुछ भी नहीं करेगा. उस दिन से महात्मा ने राम का नाम लेने की शुरुआत की. वह अंत तक मरते दम तक यही राम शब्द का रटन करते रहे.
और यही उनमें विश्वास था, आस्था थी, श्रद्धा थी, सभी की जो महानता है ऐसी महान शक्ति का चित्रण अपने आप से अभर किया गया है। सच्चता का वो आग्रही है और यही सच्चता का बीड़ा अगर हिंदुस्तान के हर जनमानस इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप से शुरुआत करेगी तो अवश्य ये सपना एक दिन साकार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।